अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमारा अजान की दुनिया में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन पाया। ये मैंने 6 पाया लिया, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको डाल दूँगी कुकर में, देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से मैंने वॉश कर लिया कि सब पाए मेरे पूरी तरह से वाइट वाइट हो गए। इसमें मैंने इस तरह से 3 छोटी प्याज, मतलब मीडियम साइज की, इसी पतली पतली स्लाइस कट कर ली, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आपको बैकग्राउंड में अमायरा और अजान की आवाजें भी आ रही रहेगी। ये गरम मसाला है, इसमें 2 तेज पत्ते हैं, मैंने आधा चम्मच सफेद जीरा, आधा चम्मच शाही जीरा, 2 बड़ी लौंग, दालचीनी और 4 से 5 लौंग और काली मिर्च डाला है, और इसके अंदर 4 हरी इलायची भी मैं डाल दूंगी और 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए इसमें मैं बस थोड़ी सी मैं कोथमीर डाल दूँ एकदम रफली कट करके, देख सकते हैं आप लोग। इससे क्या खुशबू और फ्लेवर ना बहुत अच्छा आएगा और जो थोड़ी सी स्मेल भी रहती ना पाए में वो नहीं रहेगी। मैंने 2 हरी मिर्ची को इस तरह से बीच में से कट कर दिया, ये भी डाल दूंगी। एक्चुअली क्या पाए में ना बॉईल करते वक्त जो भी डालना है डाल देंगे ना अच्छे सब मसाले, तो उसमें फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। इसी के साथ मैं 1 चम्मच भरकर हल्दी ऐड कर दूंगी, इसमें नमक स्वाद अनुसार। इसमें मैं आधा चम्मच सौंफ का पाउडर डाल दूँ, इससे क्या हमारे पाए में खुशबू और जायका बहुत ज़्यादा बेहतरीन आएगा। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँ, कम से कम मैं 2.5 ग्लास पानी डालूंगी इसमें और 1 ग्लास डाल रही हूँ। अब बचा हुआ 1/2 ग्लास पानी डाल के अब इसको मैं अच्छे से ना मिक्स कर दूंगी और इसको रख दूंगी अभी गैस पे। कम से कम मैं 4 से 5 फास्ट गैस पे इसकी सिटी लूंगी, फिर 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम आँच में अच्छे से गलने के लिए छोड़ दूंगी। आइए पाया चेक कर लेते हैं। मैंने 20 मिनट्स पहले पकाया बट मेरा गला नहीं था, वो आपको मैं दिखाना भूल गई थी। मैंने 10 मिनट्स और रख दिया और उसको मैंने अच्छे से पहले ठंडा होने दिया, देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से गल गया। अब मैं इसका तड़का रेडी करूँगी। तड़के के लिए मैंने 2 प्याज इस तरह से रफली कट कर लिया है, टमाटर भी 2 लिया है, इसको भी मैंने रफली कट कर लिया। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया, उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। अब जो प्याज है वो मैं पहले इसमें डाल दूंगी, प्याज को अच्छे से भून लूंगी। ये हम कच्चा भी पीस के डाल सकते थे बट बहुत भूनना पड़ता था और टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, इसलिए अब हमेशा जब भी बनाए ना प्याज टमाटर भून लो अच्छे से। पहले 2 मिनट में प्याज भूनूंगी, फिर इसी में मैं टमाटर भी डाल दूंगी, थोड़ी ब्राउन होने लगेगी जब टमाटर डालना है। मेरी प्याज हो गई है लाइट ब्राउन, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इसी में जो टमाटर कट करके रखा था वो ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छे से 5 मिनट भूनूंगी मीडियम आँच में। आप लोग देख सकते हैं टमाटर मेरा अच्छे से भून चुका है। अब मैं गैस बंद कर दूँ, उसको एकदम ठंडा करके पेस्ट बनाना है। मैंने रख दी है एक हंडी, अब मैं उसका पाए का तड़का दे रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल, इसको अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसी में मैं 1/2 चम्मच अदरक लहसुन ऐड कर दूँगी, इसको अच्छे से भूनना है क्योंकि हमारा पाया भी गला हुआ है, प्याज टमाटर भी हमारा अच्छे से पक चुका है, कच्चा अदरक लहसुन और मसाले हैं, तो पहले तेल में हमें अदरक लहसुन और मसाले ही भूनना है। मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया, आपको जो भी तेल आप लोग यूज़ करते हैं आप वो कर सकते हैं। अदरक लहसुन अच्छे से भून चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। अदरक लहसुन से मेरा भून चुका है अच्छे से, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर। अब ये हम इसी में ही ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसी में ही मैं डाल दूंगी जो मैंने प्याज टमाटर पीसा है अच्छे से, वो भी इसी में ऐड कर दूंगी। मसाला मेरा भुन गया, मिक्सर के जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें खंगाल के अच्छे से साफ करके डाल देना है। अब इसको अच्छा पकने दूंगी मैं।
मसाला मेरा अच्छे से भुन चुका है, देख सकते हैं आप। पर तेल मसाले ने अच्छे से छोड़ दिया। अब मैं इसमें जो मैंने पाए बॉईल करके रखे थे वो धीरे धीरे करके सब ऐड कर दूंगी। आपको बच्चे लोग की भी आवाज आ रही है, मस्ती कर रहे हैं। मैंने सब पाए इसमें डाल दिया, अब अच्छे से मिक्स करूंगी और फास्ट पे बॉईल आने दूंगी। ये स्टेज पर नमक मिर्ची टेस्ट कर लो और पानी की क्वांटिटी भी। यहाँ सालन अच्छे से बॉईल हो रहा है, मैं कर दूंगी गैस को स्लो। और मैंने 5 हरी मिर्ची बीच में से कट लगा ली, इसमें मैं ऐड कर दूंगी क्योंकि मैंने इतना स्पाइसी नहीं बनाया है। बच्चे करके मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ, हरी मिर्ची मैं अपने लिए डाल देती हूँ। मुझे थोड़ा अगर स्पाइसी खाना हो तो मैं मिर्ची खाती हूँ। और साथ में ये मैंने कोरिएंडर को अच्छे से वॉश करके कट करके रख लिया गार्निशिंग के लिए। अब मैं इसको 15 मिनट मीडियम आंच में पकने दूंगी। मैंने ढक्कन इस तरह से ढक दिया, थोड़ा सा खुला छोड़ा है। आप लोग भी इस तरह से इसको कम से कम 15 मिनट मुझे स्लो आंच में पकाना कि जो भी मसाले का फ्लेवर है पाए में अच्छे से चले जाए। और प्लीज़ गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल हमारा रजान की दुनिया। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कर लेते पाए, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पाए अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और याद से बेल आइकन को प्रेस कर लिया। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।